श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंदर आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, एक प्रश्न कई लोग मुझसे पूछते हैं उसका मैं आपको जवाब दूंगा कि भगवान के साथ हमें क्या और कौन सा और कैसा संबंध रखना चाहिए। हम सभी भगवान को प्यार करते हैं, उनके चरणों में प्रेम करते हैं, लेकिन हम कभी कभी सोच नहीं पाते कि कैसे भगवान से प्रेम बढ़े। भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता रहे तो उसके लिए सीधी सी बात है, आप उनसे एक संबंध जोड़ लीजिए। जब आपका संबंध भगवान से हो जाएगा तब आपका प्रेम भी भगवान से बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि कौन सा संबंध हम भगवान से बनाएं। तो संतों ने श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी गुरुदेव से मैंने सीखा है, सुना है, वो कहते हैं कि भैया आपके जीवन में जिस भी संबंध की कमी है, आप बिहारी जी से अपना वो संबंध बना लें। जैसे किसी के जीवन में पुत्र की कमी है तो बिहारी जी को अपना पुत्र मान लें, किसी के जीवन में पिता की कमी है तो बिहारी जी को अपना पिता मान लें, और किसी के जीवन में एक पति की कमी है तो वो लड़की, वो नारी भगवान को अपना पति मान सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगतपति हैं। और फिर किसी को कोई मित्र की कमी है तो भगवान को आप अपना मित्र बना सकते हैं। अगर किसी के जीवन में भाई की कमी है तो भगवान को आप अपना भाई भी बना सकते हैं। इसलिए आप देख लीजिए आपको जीवन में किस संबंध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप भगवान के साथ वो संबंध जोड़ लीजिए। अगर एक बार आपका दिल से संबंध भगवान के साथ हो गया तो उस संबंध को आप पता नहीं निभा पाओगे या नहीं, भगवान जरूर निभाते हैं। कृष्ण ने सुदामा को मित्र बनाया, तब सुदामा ने कहा प्रभु मैं तो मित्रता नहीं निभा पाऊंगा, मैं तो गरीब हूँ, श्राप भी लग गया है। तब कृष्ण ने कहा अरे सुदामा क्यों चिंता करते हो, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है तो मित्रता भी मैं निभा के दिखाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जो तुम्हारा मेरे लिए प्रेम है ये प्रेम ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक केवल प्रेम। प्रेम मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिला प्रेम ना मिला तो क्या फ़ायदा। तो आपके जीवन में अगर कोई संबंध की कमी है तो वो संबंध आप भगवान से जोड़ लीजिए। जैसे ही आपके जीवन में भगवान से संबंध जुड़ेगा तो आप देखना उस संबंध की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर एक बार आपका भगवान से प्रेम हो जाए, केवल एक बार, कैसे भी करके कुछ भी करके, तो फिर जीवन पर्यंत तक रहता है, जन्म जन्मों तक रहता है, और भगवान उस संबंध को निभाते भी हैं। तो इस प्रश्न का जवाब मैंने दिया जो मैंने संतों से सुना है। आगे भी बाकी बिहारी जी के प्रश्न आपके लिए लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम, आपको मेरा प्रणाम। जय सियाराम, जय जय श्री राधे।